नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिन दहाड़े में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 25 मई 2013 का दिन छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस के लिए ये दिन किसी काले दिन की तरह है। झीरम घाटी में खेले गए खूनी खेल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी। घटना के 11 साल बाद भी पूरे मामले को लेकर सियासत उतनी ही ताजा है। हाल ही में झीरम कांड की 11वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उमेश पटेल ने कहा कि विष्णु सरकार में इंसाफ की उम्मीद है, जिसके बाद सियासी प्रदेश में सरगर्मी बढ़ गई है। आज दिन दहाड़े में चर्चा इसी मुद्दे पर। मई का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का काला दिन है। इसी दिन झीरम में नक्सलियों ने कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व समेत 32 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, और इस घटना ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि देश के इतिहास में नक्सलियों के द्वारा एक साथ इतनी बड़ी संख्या में किसी राजनीतिक दल के नेताओं की हत्या नहीं की गई थी। ये 25 मई साल 2013 की घटना है, जिसको आज 11 साल बीत चुके हैं, और आज भी जब इस घटना का जिक्र होता है तो लोगों की रूह कांप उठती है। जहां इस घटना को याद कर लोगों की रूह कांप उठती है, तो वहीं आज 11 साल बाद भी झीरम हमले पर सियासत उतनी ही तेज है। झीरम हमले की 11वीं बरसी पर पीसीसी चीफ दीपक वैज ने एक बार फिर मामले की जांच पर सवाल उठाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आज एक पोस्टर जारी कर दीपक बैज के हमले पर पलटवार किया है। झीरम घाटी में शहीद हुए नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल की समाधि स्थल शांति बकिया में 11वीं पुण्यतिथि पर विधायक उमेश पटेल ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि साय सरकार में न्याय की उम्मीद है, जिसके बाद बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर पीसीसी चीफ को जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि झीरम पर बोले पूर्व मंत्री उमेश पटेल, अब मुझे विष्णु सरकार से इंसाफ की उम्मीद, विष्णु के सुशासन पर सभी को विश्वास है। जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि क्या अब कांग्रेस नेताओं को भी साय सरकार के सुशासन में न्याय की उम्मीद है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुनील चौधरी जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अनुभव शुक्ला जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, राजेंद्र वाजपेयी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूं। उमेश पटेल जी की तरफ से कहा गया कि विष्णु सरकार से इंसाफ की उम्मीद है, और अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब विपक्ष को भी विश्वास हो गया है कि न्याय साय सरकार में ही मिल सकता है। सबसे पहले आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मेरे साथी पैनलिस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, बातों को जोड़ना तोड़ना, जुमलेबाजी करना भारतीय जुमला पार्टी की शुरुआत से ही आदत रही है। अगर ये कहा है पटेल जी ने कि उन्हें न्याय की उम्मीद है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि उनकी सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं करना चाहिए? कोई भी सरकार बनेगी, उससे न्याय की उम्मीद करना तो बिल्कुल जायज और लाजमी है। किसी भी आम नागरिक को, चाहे वो कार्यकर्ता हो पार्टी का, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई वरिष्ठ गण हो, कोई भी हो, वो किसी भी सरकार से न्याय की उम्मीद करता है। वो न्याय पे कितना खरा उतरती है, सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जुमला पार्टी न्याय नहीं, अन्याय की पार्टी है। कैसे 1380 फर्जी केस आदिवासियों पे किया? अगर मैं नक्सलवाद के मामले की बात करूं, तो चाहे 1380 फर्जी केस हो, स्कूल कॉलेज अस्पताल बंद के तमाम मुद्दे हैं जो इनके 15 साल के भ्रष्टाचार और कुशासन में देखे गए। केपीएस गिल जी, जो सुरक्षा सलाहकार थे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के, उनने बयान दिया कि उनको रमन सिंह ने कहा है कि तुम अपना वेतन खाओ और ऐश करो, तुम्हें नक्सलवाद को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें हमारे सामने हुई, और ये कोई कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, ये बाकी लोगों ने आरोप लगाए हैं जो सच भी हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विष्णुदेव साय की असहाय सरकार ये कह रही है कि वो न्याय नहीं दिला सकती? न्याय दिला सकती है तो कोई अनोखी बात नहीं है। किसी भी सरकार से न्याय की उम्मीद होती है, इसमें कोई अचंभा या हैरानी करने वाली बात नहीं है। क्या कांग्रेसियों को न्याय नहीं दिला सकती? जनता, आम नागरिक, सबको न्याय दिलाना है आपको। आपसे न्याय की उम्मीद रखी जा रही है, उस पर आप खरा उतरे तो कोई बात है, लेकिन आप उस पर राजनीति करेंगे, आप उस पर षड्यंत्र करेंगे, आप उस पर जुमलेबाजी करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। ठीक है, सुनील चौधरी जी,
वो कह रहे हैं कि आप अगर सरकार में हैं तो आपसे न्याय की उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? जी राम राम, जय जोहार, जय राम राम। देखिए बिल्कुल उम्मीद रखिए, हम सारे जो व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सारी दुरुस्त करके निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने घोषित कर दिया, उन्होंने कहा अधिकृत रूप से कि हम आने वाले विधानसभा के सत्र में जो झीरम घाटी की रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करने वाले हैं। अब कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इनको डर लगता है फंस ना जाए। देखिए जो जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की जो भाषा है वो नक्सलियों से मिलती जुलती है। आप झीरम के घटना के दिन जब आपको नक्सलियों के विरोध में रहना चाहिए, उस दिन आप उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि मुठभेड़ फर्जी हो रही। अरे संकल्प लेकर के हम काम कर रहे हैं कि नक्सलवाद को समाप्त करना है, अब जब समाप्त करना चाहते हैं तो कांग्रेस को बड़ा दर्द होने लगा क्यों? अरे भैया सुरक्षा के जवानों के बारे में सोचिए, अरे कांग्रेसियों में दम है क्या कि ये बगैर सुरक्षा के जवानों के चले जाए वहां पर बस्तर में नक्सल क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती, अब ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली पार्टी जो है इनको कहां चैन पड़ने वाला, इनके पेट में दर्द होना था है। अरे योजनाएं चल रही है 5% से लेकर के 20% तक के ही बंदूक के का जवाब बंदूक से हो रहा है। 80% से ज्यादा लोग, 90-95% लोग चाहते हैं कि बातचीत से रास्ता हल हो। वहां के बस्तर की जनता चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि नक्सलवाद का खात्मा हो, ये खून खराबा बंद हो। और उस दिशा में जब सरकार बढ़ रही है तो भाई इनको तकलीफ हो रही है। उमेश पटेल जी ने सही कहा, वो खुद मंत्री थे, अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपसे उम्मीद न करें, वो तो खुद अपनी सरकार से उम्मीद किए थे, कांग्रेसी भी उम्मीद किए थे कि झीरा आ जाए सामने, लेकिन ये कर नहीं पाए कुछ, ये कुछ नहीं कर पाए। 5 साल खाली बोलते रहे जेब मेरे सबूत मेरी जेब में है। अरे कट गई जेब क्या, कहां घूम गया भैया आपका सबूत? हम कह रहे हैं कि अब रिपोर्ट आएगी, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो भी दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम किसी चश्मदीद गवाह को मंत्री बना के नहीं बैठा ले, हम उसको कोई राशि ठाट बाट नहीं दिए। ये सब कांग्रेस के जो फूट डालो राज करो वाली पार्टी, अंग्रेजों की पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, ये इनका काम था, ये उसमें भी भ्रष्टाचार ढूंढ रहे होंगे। 5 साल किया क्या आपने भ्रष्टाचार के अलावा? अब झीरम, नक्सलवाद, सुरक्षा के जवान सब पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे, लेकिन करना कुछ नहीं था इनको, करना कुछ नहीं तो मैं आगे कुछ करने वाले, जो भी करेगी माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार करेगी और न्याय जरूर मिलेगा, झीरम के शहीदों को भी मिलेगा और जितने भी शहीद हुए हैं सुरक्षा बल के जवान, अरे ये तो उनको टिकट देते हैं जो सुरक्षा बलों के जवान। सुनील जी, सुनील जी, अनुभव जी, अनुभव जी, आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, शॉर्ट में कीजिएगा, शॉर्ट में कीजिए। मैं राजेंद्र जी को भी बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले फूट डालो राजनीति की बात करते हैं तो ये मुझे लगता है सुनील चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आईना नहीं देखते, आईना देखेंगे तो इनको सच्चाई समझ आ जाएगी। फूट डालो राजनीति, सुन लीजिए सुनील जी, सुन लीजिए, धीरज रखिए, कांटा छोटा होता है तो भी चुभता है, सच्चाई चुभती है, मैं मानता हूँ। फूट डालो राजनीति कौन करता है? माँ से मुसलमान, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मस्जिद, माँ से मक्का, माँ से मदीना, माँ से मंदिर, कौन सी पार्टी करती है, किसके नेता करते हैं? खड़े होके कहते हैं कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं राजनीति करने लायक नहीं रहूंगा, और अगले दिन बोलते हैं। अनुभव जी, अनुभव जी, दूसरी मुद्दे पर काउंटर कीजिएगा, मुद्दे पर काउंटर कीजिएगा, फिर मैं राजेंद्र जी के पास उनको भी शामिल करना है, मुद्दे पर काउंटर कीजिए। 2008 के संकल्प पत्र में यह वादा किया था कि ये नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, 2008 के संकल्प पत्र में लिखा था। होता क्या है, उस कार्यकाल में इस दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक नक्सल हमला कांग्रेस के नेतृत्व पे होता है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा का आयोग बनता है तो उसके दायरे में षड्यंत्र शामिल नहीं किया जाता। क्यों षड्यंत्र को शामिल नहीं किया था आपने प्रशांत मिश्रा आयोग के दायरे में? और जब हमने षड्यंत्र को प्रशांत मिश्रा आयोग के दायरे में लाया तो धरमलाल कौशिक हाईकोर्ट में चुनौती देने चले गए। इस सवाल का जवाब क्यों दे, कौन देगा? ये जो षड्यंत्र है कि आपकी विकास यात्रा और परिवर्तन यात्रा एक ही फिक्रे से निकलती है, एक ही फिक्रे में निकलती है, आपको सुरक्षा प्रदान करी जाती है, हमारे नेताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करी गई, सुरक्षा का बल नहीं दिया गया, इसका जवाब कौन देगा? षड्यंत्र तो आपका बाहर आएगा, दूध का दूध पानी का पानी नहीं, छट्टी का दूध याद आने वाला है आपको जब ये षड्यंत्र बाहर आने वाला है। तो ठीक है, ठीक है, 11 साल बाद ही सही, कम से कम एक बार फिर से उम्मीद जगी है राजेंद्र जी कि झीरम घाटी का सच सामने आएगा कि आखिर वहां पर क्या हुआ था 25 मई को। देखिए उमेश पटेल जी ने जो बोला है उनके मन का दर्द जो है वो 29 कांग्रेसियों सहित 32 लोगों की जो शहादत हुई थी झीरम घाटी कांड में,
उन सबका दर्द उसमें शामिल है। भूपेश बघेल जी ये कहते थे कि सबूत उनकी जेब में, फिर भी उमेश पटेल मंत्री रहने के बावजूद उस सबूत को बाहर नहीं ला सके। 11 साल में जमकर राजनीति हुई है इसको लेकर, लेकिन इस घटना के पीछे मकसद क्या था यह सच्चाई आज भी सामने नहीं ला जा सकी है। और झीरम घाटी को लेकर NIA ने भी जांच की, न्यायिक आयोग ने भी इसकी जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत या कोई विशेष बात लेकर सामने कोई नहीं आ पाया है। और ये है कि जो झीरम घाटी का कांड हुआ था उसकी 11 साल के बाद भी सच्चाई अगर सामने नहीं आ सकी है तो इस पर राजनीति जमकर की गई लेकिन सबूत सामने नहीं आ सके, ये अफसोसजनक बात है। और ये अफसोसजनक बात इसलिए है कि कुल उन 32 लोगों को जिनको न्याय की आस है आज भी उनको न्याय मिला है नहीं मिला है, या और इस न्याय को उनको मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है। और ये वही जानते हैं जिसके परिवार का सदस्य दूर हो जाता है उसकी कमी कितनी खलती है, तो कम से कम उनको कुछ मिले ना मिले लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए। और ये न्याय जो है कौन दिलाएगा, अगर विष्णुदत्त साय की सरकार ये न्याय दिलाती है तो काफी अच्छी बात है और हम भी इसी इंतजार में है कि झीरम घाटी की सच्चाई जो है लोगों के सामने आ सके। सुनील जी कह तो रहे हैं कि आने वाले समय में विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी सारी जांच रिपोर्ट। राजेंद्र जी जी देखिए अगर ये ऐसा होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी और उन लोगों के लिए जो पीड़ित है जिनके परिवार के लोगों की इस मामले में शहादत हुई थी उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बात आएगी, ये एक अच्छी खबर है। और इस पर अगर ये होता है बाहर आती है रिपोर्ट सामने पटल पर रखी जाती है तो स्वागत है। ठीक है अनुभव शुक्ला जी, मतलब अब इस मामले पर सियासत खत्म हो जाएगी एक तरीके से, जो सुनील चौधरी जी दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जांच रिपोर्ट सबके सामने होगी। देखिए जांच रिपोर्ट सबके सामने हो अच्छी बात है, सबके सामने पारदर्शिता बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके पीछे राजनीति क्या है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, NIA की जो चार्जशीट है उसमें गणपति और रमन्ना जो प्रमुख आरोपी थे उनको हटाया क्यों गया, क्यों हटाया NIA की केंद्र सरकार जांच करा रही थी तो क्यों उन्होंने गणपति और रमन्ना को हटाया और उसके बदले दंडकारण्य जोनल काउंसिल को ही आरोपी बनाया। उसमें दंडकार किसी को भी अगर थोड़ी भी जानकारी है तो ये बात को समझता है कि जोनल काउंसिल के आधार पे इस प्रकार का हमला नहीं किया जा सकता, बड़ा नेतृत्व तो शामिल होता है, गणपति और रमन्ना का नाम हटा देते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस जब षड्यंत्र की जांच करती है हमारी सरकार आने के बाद तो NIA जो है अदालत में अड़ंगा डालती है, ट्रायल कोर्ट जाती है, हाईकोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट मतलब अनुभव जी क्या कह रहे हैं, अगर जांच रिपोर्ट आ भी गई तो वो अपने हिसाब से मॉडिफाइड होगी क्या? बिल्कुल संभावना बनती है इस चीज की। संदेश खाली में देखिए इन्होंने कैसी झूठी बातें करी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सामने आके सच्चाई बताने लगे। रमन सिंह और KPS गिल का उदाहरण मैंने आपको दे ही चुका है, नक्सल मुक्त 2008 में वादा किया, तो ये सब जुमलेबाजी करना जानते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार सरकार है तो सरकार से ही न्याय की उम्मीद करेंगे, अगर सरकार फिर कोई जांच रिपोर्ट लाती है तो फिर तो आपको भरोसा करना चाहिए उस पर। भाई सरकार से सवाल नहीं करेंगे, सरकार पे भरोसा कैसे कर लेंगे, हर कदम पे सरकार से सवाल उठाया जाएगा और उसको जवाब देना होगा कि क्या पारदर्शिता थी, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, चार्जशीट में किसको शामिल किया किसको नहीं किया, वो तो जब रिपोर्ट आएगी तब उस पर चर्चाएं होंगी, अभी से उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी कहना उचित नहीं है। लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि विकास यात्रा और परिवर्तन यात्रा दोनों एक ही जिले से एक महीने में निकलती है, लेकिन एक विकास यात्रा को सुरक्षा दी जाती है परिवर्तन यात्रा को नहीं। यही राजनीति जो षड्यंत्र इन्होंने किया है, षड्यंत्र को दबाने की कोशिश की है, मुख्य आरोपी गणपति और रमन्ना का नाम छुपाने की कोशिश करी है, ये सामने आने से रोकने की कोशिश करेंगे तो हम सवाल उठाएंगे और आंदोलन करेंगे सदन से लेकर सड़क पर। ठीक है सुनील जी, सुनील जी देखिए ये इनके झीरम जो कांड था इनके आपसी प्रतिद्वंदिता का नतीजा था, ये इनकी आपस की लड़ाई थी। अभी हमको कह रहे थे कांग्रेसी कि इनके छट्टी के दूध का दूध याद आ जाएगा, मेरे को तो लगता है छट्टी का दूध इनको याद आने वाला है, रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली दर्द शुरू हो गया। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी माँ का दूध पिए हैं और शेर की तरफ लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, आपके जैसे नहीं उनके पीछे, भारतीय जनता पार्टी और खत्म करके दिखाएंगे, आपके जैसे नहीं था। कहते तो मेरी माँ ने शायद मुझे पैदा किया है, पहले उसका तो जवाब दीजिए कि माँ से पैदा भी हुए हैं कि नहीं। प्रधानमंत्री का कहते नो ये ऐसे नहीं, आप किसी के ऊपर नीचे टिप्पणी मत कीजिए, बस जो मुद्दा है उस पर बातचीत कीजिए।
थोड़ा सा डेकोरम बना के रखिए ना चाचा का। वही दोहरा रहा हूँ, मैं अपने मन से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, ये सोशल मीडिया नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे। करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आप सोच समझ कर बोल रहे हैं। मैं उनने जो कहा है मैं वो बयान दोहरा रहा हूँ, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा, उन्हीं ने जो कहा है मैं वही दोहरा रहा हूँ। तो फिर भी हमें ध्यान रखना होगा ना कौन सी बात कहाँ कही जा सकती है। चलिए वो अपनी बात पूरी करें फिर मैं जवाब देता। ठीक है सुनील जी, ये वही मैं कह रहा हूँ, इनके अंदर में तिलमिलाहट वही है, हड़बड़ाहट वही है कि झीरम घाटी की रिपोर्ट आ रही है, अब कांग्रेसियों को दर्द शुरू हुआ। अरे इनको सब पता है, सारे मामले की जानकारी है, एक व्यक्ति कैसे बच के आ गया, उसी को बाइक मिल गई। फिर इनके तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत जी वो जाकर के जो हॉस्पिटल में चाटा उठाए थे, तो वो सब देखे है ना लोगों ने, सारी जानकारी है ना लोगों ने, क्या छुपाने का प्रयास कर रहे थे आप। 5 साल पहले तो बड़ा कहते थे रिपोर्ट रिपोर्ट, अब रिपोर्ट आ रही तो दर्द हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा के जवानों के बगैर क्या दम है किसी में कि चले जाए बस्तर के अंदर में। अरे नक्सलवाद से वो लूट रहे, उन्हीं पर सूचित कि फर्जी मार देते हो, मुठभेड़ कर रहे। तो आपकी सरकार ने नाम घोषित किया, आपके समय में नामजद नक्सली है, उनको यदि वहां पर मारा गया है तो आप क्यों प्रश्न उठाते हैं भाई। अरे विश्वास तो करो संवैधानिक संस्थाओं पर, सुरक्षा बलों पर। नहीं करेंगे आप, क्यों? लोकतंत्र पर विश्वास नहीं? आपातकाल लगाने वाले आप कहां लोकतांत्रिक है? आप तो 47 के दंगे में शामिल रहे, 84 में दंगा कर दिया देश के अंदर में। ऐसे नहीं चलता साहब, साफ नियत से आइए देश के अंदर में, साफ दिल से आइए और जनता की सेवा करने के लिए आइए, तब बात बनेगी। अरे मिलकर के लड़िए ना, आइए ना कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ते हैं। संदेश खाली, देश के खिलाफ है, देश के लिए सबसे बड़ा नासूर बन रहा है, उसके खिलाफ मिलकर के लड़िए। लेकिन अनुभव जी, आप ही की सरकार में मंत्री रहे उमेश पटेल, जब उनको वहां पर सरकार में रहते हुए भी न्याय नहीं मिला, अगर वो अब कह रहे हैं जब सरकार बदल चुकी है, साय सरकार है, कि अब विष्णु सरकार से उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा उन्हें, तो इस बात का क्या मतलब है कि वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी और आपकी तरफ से कहा जाता कि सबूत तो जेब में है, उस दौरान भी सच सामने नहीं आया। देखिए उनका क्या मतलब है, वो अगर कोई आपको निजी मतलब जानना है तो पहली बात तो आपको उनसे पूछना होगा, दूसरी बात आप अपने मतलब ना निकालें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसका सामान्य मतलब यही निकलता है कि कोई भी सरकार यदि पावर में आती है, सत्ता में आती है, तो उससे न्याय की उम्मीद करी जाती है, उसका दायित्व है समाज में न्याय करना चाहिए किसी भी। तो वही न्याय की उम्मीद तो भूपेश सरकार से भी थी ना। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए, थोड़ा धीरज रखिए। दूसरी बात, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल ये खड़ा करते हैं कि आप सुरक्षा बलों का गलत दुरुपयोग क्यों करते हैं। मुझे ये बताइए कि 1 जनवरी को एक 6 महीने की बच्ची को गोली लगती है, 25 फरवरी को कांकेर के कोयली बेड़ा में आदिवासियों को मारा जाता है, नारायणपुर में झलिया मार में यौन शोषण होता है, FIR तक नहीं होते देते भारतीय जनता पार्टी के नेता 1 हफ्ते तक, बीजापुर में ग्रेनेड लॉन्चर छूट जाता है, 2 मासूमों की मृत्यु हो जाती है, उस पर कोई सवाल नहीं करते, कोई जवाब नहीं करते। अभी पीडीओ और इसावर की बात करूं तो अवलम बुद्री जी ये सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि मेरे पति तेंदू पत्ता संग्रहण करने खेत गए थे, वो वापस लौट के नहीं आए, क्यों नहीं आए? जब वहां पे आप नक्सली मुठभेड़ कराते हैं तो वहां पे कोई भी लाइव एमिनेशन क्यों नहीं पकड़ाया, कोई भी मेडिकल किट क्यों नहीं पकड़ाया, कोई भी ऑटोमेटिक राइफल ऑटोमेटिक बंदूक नहीं पकड़ाई? फर्जी बातें आप करते हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यालय में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुभव जी, क्योंकि वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं। सुनील जी काउंटर कीजिएगा, वक्त की कमी है। इस जगह पे फर्जी मुठभेड़ की ये बात कर रहे हैं, नक्सली 20 किलोमीटर दूर से वहां पर आए थे और बड़ा इनपुट, और जितने लोग हैं सबके खिलाफ मामले दर्ज है, मैंने स्पष्ट रूप से बताया। फिर तेलुगु तोड़ने के पति कहां है, और स्थानीय लोग आसपास में तेंदू पत्ता तोड़ते 20 किलोमीटर नहीं जाता कोई जंगल में, कुल मिला करके इनको सवालों का जवाब कौन देगा सुनील जी? वो तो यही करेंगे फर्जी। अरे सुरक्षा के बगैर जाकर के दिखाओ ना, जी के सवालों का जवाब देंगे कि नहीं देंगे कि हर आदिवासी को नक्सली बना के गोली चलाएंगे? नफरत है आपके मन में आदिवासियों के खिलाफ, कभी आपने आदिवासियों की संस्कृति को भी मरने नहीं दिया, हमारी सरकार ने उसको बढ़ाया। जवाब दीजिए इस बात का सुनील जी, जवाब दीजिए। उनके परिवार भी ठीक है, ठीक है, आप दोनों को रुकना होगा। मैं राजेंद्र जी से बस लास्ट टिप्पणी, राजेंद्र जी, झीरम घाटी कांड के समय में भाजपा की सरकार थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी आई। जितने आर्गुमेंट और जितनी चिल्लम चिल्ली अभी हो रही है,
समझौता ये उस समय हुई थी दोनों सरकारों के बीच में, तो समझौता शायद है कि डीरमगढ़ के नरसंहार का की सच्चाई जो है वो सामने आ गई होती। फिर भी अभी अगर ये कहा जा रहा है कि सदन के पटल पर सच्चाई रखी जाएगी, रिपोर्ट रखी जाएगी, तो उस रिपोर्ट को यदि आप सरकार से न्याय की उम्मीद रखते हैं तो उस न्याय पर भरोसा भी आपका कायम रहना चाहिए। और यदि आप भरोसा आपको केवल अपने पार्टी को लेकर आर्गुमेंट रखना है या एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर वार चालू करना है तो उसकी बात तो अलग है, लेकिन अगर सच्चाई सामने आती है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि और उन पीड़ितों को भी न्याय मिलेगा। जो 32 लोगों की शहादत हुई है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जो राजनीतिक पार्टियों ने झीरम कांड को लेकर जमकर रोटियां सेकी, राजनीतिक रोटियां सेकी, और सच्चाई जो है आज भी किसी के सामने नहीं आ पाई। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद यही है कि 11 साल बाद ही सही लेकिन इस मामले की सच्चाई सबके सामने आएगी जो भारतीय जनता पार्टी साय सरकार की से दावा किया जा रहा है। और इसी के साथ आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।